दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एनएसजी मेंबरशिप क्या है, भारत इसमें शामिल होना क्यों चाहता है, अगर भारत एनएसजी के सदस्य बनता है तो क्या फायदा होगा, आखिर में ये भी बताऊंगा चीन क्यों भारत की एनएसजी सदस्यता को विरोध कर रही है। तो जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ऐसे देशों का एक समूह है जो कि परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए उपयोग की जा सकने वाली सामग्री, उपकरण और टेक्नोलॉजी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु हथियारों के निर्माण को रोकने की दिशा में काम कर रहा है। ये संगठन चाहता है कि परमाणु सामग्री ऐसे देशों के हाथ में ना लगे जो कि उसे आतंकी संगठनों को उपलब्ध करा दें, जिससे कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। एनएसजी की स्थापना भारत द्वारा मई 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद की गई थी। इसकी पहली बैठक नवंबर 1975 में हुई थी। वर्तमान में इस संगठन में 48 देश शामिल है और भारत 49वां सदस्य बनना चाहता है। शुरुआत में एनएसजी की स्थापना के लिए 7 देशों की सरकारों ने पहल की थी। ये सरकारें थी कनाडा, जापान, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। चीन इस ग्रुप में 2004 में शामिल हुआ था। यदि कोई देश एनएसजी में शामिल होना चाहता है तो उसे एनपीटी पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यहाँ पर उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारत ने अभी तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी परमाणु संपन्न देश बन गया है। यही कारण है कुछ देश भारत की एनएसजी सदस्यता को विरोध कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा, एनपीटी क्या है और क्यों भारत इस पर साइन नहीं कर रहा है। परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी, जैसे कि नाम से जाहिर है, परमाणु हथियारों का विस्तार को रोकने के लिए परमाणु टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। इसे जब 1970 में बनाया गया तो उसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों को उन 5 देशों तक सीमित रखना जो ये स्वीकार करते थे कि उनके पास ऐसे हथियार है। ये 5 देश थे अमेरिका, सोवियत संघ जो आज की रूस है, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। हालांकि चीन और फ्रांस ने इस संधि पर 1992 तक हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये 5 परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है और इस संधि के तहत इस बात से बंधे हुए कि ये गैर परमाणु देशों को ना तो ये हथियार देंगे ना ही उन्हें हासिल करने में उनकी मदद करेंगे। अब तक कुल 187 देशों ने इस संधि पर दस्तखत किए हैं और इनमें से कोई भी इससे बाहर नहीं निकला है। इस पर हस्ताक्षर करने वालों ने इस बात पर सहमति जाहिर की है कि वो ना तो इस तरह के हथियार विकसित करेंगे और ना ही उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्हें इसकी इजाज़त है कि वे परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए विकसित कर सकते हैं, लेकिन वह भी वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों की देखरेख में। अभी भी कुछ प्रमुख देश ऐसे हैं जिन पर संधि में शामिल होने के लिए जोर नहीं डाला गया है। भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। भारत लंबे समय से इस परमाणु एकाधिकार की आलोचना करता आ रहा है क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है। भारत और इस संधि पर साइन नहीं करने वाले देशों का तर्क है कि विकसित देशों ने पहले ही परमाणु हथियारों का भंडार बना लिया है और बाकी देशों पर अप्रसार संधि थोप रहे हैं। एनपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है जो इसके दोहरे मापदंड को प्रदर्शित करती है। इस संधि का प्रस्ताव आयरलैंड ने रखा था और इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र फिनलैंड था। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र इससे ही माना गया है जिसने 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण किया था। इसी आधार पर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। भारत का विरोध उचित भी है। विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि महाशक्ति देशों ने खुद तो पहले से ही परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर रखा है और अब भारत जैसे नए उभरते देशों के ऊपर निरस्त्रीकरण के आड़ लेकर इस संधि के रूप में प्रतिबंध थोपने का अनुचित और कुटिल प्रयास कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई खुद तो भरपेट भोजन कर ले और फिर दूसरों को भोजन की हानियां बताते हुए भोजन ना करने के लिए बाध्य करें। यकीनन अगर महाशक्तियां वाकई में दुनिया को परमाणु अस्त्रों से मुक्त देखना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले अपने पास संग्रहित हजारों की संख्या में परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर देना चाहिए। ज्ञात आंकड़ों के अनुसार अकेला अमेरिका, रूस के ही पास दुनिया के आधे से अधिक परमाणु अस्त्र मौजूद है जो कि उनके आपसी प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप उपजे हैं। अन्य देशों ने तो सिर्फ अपनी सुरक्षात्मक चिंताओं के मद्देनजर परमाणु हथियार विकसित किए हैं। भारत भी उनमें से ही एक है। अगर सुपर पावर देश वाकई में निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है तो उन्हें भारत को एनपीटी जैसे अन्यायपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर ना करने के कारण संदेह की दृष्टि से देखने की बजाय पहले अपने परमाणु जखीरे को समाप्त कर खुद उसकी पहल करनी चाहिए।
मगर वो ऐसा करेंगे ही नहीं, क्योंकि निरस्त्रीकरण तो सिर्फ बहाना है। उनके वास्तविक मंशा तो परमाणु हथियारों पर एकाधिकार के बलबूते अपने वैश्विक वर्चस्व को बरकरार रखने की है। इन परिस्थितियों को देखने के बाद भारत का NPT पर हस्ताक्षर ना करने के निर्णय एकदम सही प्रतीत होता है। अब जानते हैं चीन क्यों भारत के NSG सदस्यता को विरोध करता है। चीन का कहना है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए इस पर अभी सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श किए जाने की जरूरत है। चीन का कहना है कि यदि गैर NPT देशों को सदस्य बनाने की ऐसे कोई व्यवस्था बनती है तो उसमें भारत के साथ पाकिस्तान को भी जगह मिलनी चाहिए। जबकि भारत का तर्क है कि फ्रांस ने भी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, फिर भी वह आज NSG का सदस्य है। इस पर चीन ने कहा था कि फ्रांस NSG का संस्थापक सदस्य है, ऐसे में उसकी सदस्यता को ना स्वीकार किए जाने का सवाल कहाँ पैदा होता है। दरअसल चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के सामने उभरे। NSG की सदस्यता मिल जाने पर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश का आधिकारिक दर्जा मिलने के साथ ही वैश्विक स्तर पर नई दिल्ली के रुतबे में वृद्धि होगी। वह भारत का सीधे तौर पर तो विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन कभी पाकिस्तान तो कभी मानक मापदंडों का हवाला देकर सदस्यता के मुद्दे को लटकाना चाहता है। भारत का कहना है कि NSG के लिए केवल प्रक्रिया और मापदंड को ही आधार ना बनाया जाए, बल्कि देश की विश्वसनीयता भी देखी जानी चाहिए। NPT और CTBT पर हस्ताक्षर ना करने के बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानकों और दिशा निर्देशों पर खरा उतरता आया है। विश्वसनीयता के सवाल पर पाकिस्तान का दावा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों को पाकिस्तान ने परमाणु तकनीक चोरी चोरी बेची है। वैश्विक संस्थाओं और एशिया में दिनों दिन भारत के बढ़ते कद से चीन परेशान है। अमेरिका के साथ भारत के मजबूत एवं बढ़ती द्विपक्षीय संबंधों से भी चीन चिंतित है। वह नहीं चाहता है कि भारत तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और ताकतवर राष्ट्र बने, इसलिए चीन आज जानबूझकर भारत के NSG सदस्यता को विरोध कर रहा है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर गलती नहीं की होते तो आज भारत को NSG सदस्यता मिल गई होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अब आपको समझाता हूँ। दरअसल अमेरिका भारत को परमाणु बम बनाने के लिए मदद करना चाह रहा था। अमेरिका चाहता था कि परमाणु बम बनाने वाला भारत एशिया की पहला देश हो, ना कि कम्युनिस्ट चीन। अमेरिका को लगता था कि भारत एक गणतांत्रिक देश होने के कारण भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं चीन के मुकाबले। अगर भारत अमेरिका की मदद से 1964 से पहले परमाणु बम बनाकर टेस्ट कर दिया होता तो आज इतिहास कुछ अलग होता। ना ही 1962 में चीन भारत पर अटैक करने की हिम्मत करती, ना ही आज हमें चीन को रिक्वेस्ट करते कि हमारे NSG सदस्यता को विरोध ना करें, क्योंकि चीन से पहले परमाणु परीक्षण करने के कारण भारत को पहले NSG सदस्यता मिलती। ऐसा भी हो सकता था आज चीन हमारे देश के सामने रिक्वेस्ट कर रही होती, भाई हमारे NSG सदस्यता को विरोध मत करो, जैसा आज हम चीन के सामने कर रहे हैं। अब आप जान गए होंगे कि नेहरू जी की वो गलती के कारण आज हमारे देश को कितने नुकसान हो रहा है। दरअसल नेहरू जी न्यूक्लियर टेस्ट या फिर न्यूक्लियर हथियार के खिलाफ थे। मैं अब आपको नेहरू जी का एक छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको बताऊंगा NSG सदस्य बनने से भारत को क्या क्या फायदा होगा। I can claim to speak on behalf of India, but not on behalf of any other country. As for the resumption of nuclear tests by the Soviet Union, I have often stated that I thought it a very harmful, disastrous thing. For a variety of reasons, apart from the harm it actually causes, it brings about a war psychosis. दरअसल हमारे देश में ऊर्जा की जरूरतें बढ़ती जा रही है और उसे पूरा करने के लिए संसाधनों की भारी कमी है। सरकार मानती है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना बेहतर विकल्प है, इसलिए भारत का NSG में शामिल होना जरूरी है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने का रास्ता भारत के लिए उस वक्त खुला था जब 2008 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई। सवाल यह है कि भारत के लिए NSG में शामिल होना इतना जरूरी क्यों है। दरअसल NSG में शामिल होने से देश को 5 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा, परमाणु तकनीक आसानी से मिलेगी। अगर भारत NSG में शामिल हुआ तो उसे दवाई से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने तक तकनीक बेहद आसानी से उपलब्ध होगी। भारत के पास अपनी स्वदेशी तकनीक भी है, लेकिन NSG के सदस्य के तौर पर दूसरे देशों के पास मौजूद अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। भारत का लक्ष्य है कि वो ऊर्जा की अपनी 40% जरूरत क्लीन एनर्जी से पूरा करेगा, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाया जाए। दूसरा फायदा, यूरेनियम आसानी से मिलेगा। NSG का सदस्य बनते ही परमाणु ऊर्जा उत्पादन भारत के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम उसे सदस्य देशों से आसानी से मिल जाएगा। तीसरा फायदा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
सदस्यता मिलने के बाद भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के उपकरणों का उत्पादन बड़े पैमाने पर अपने यहाँ कर सकेगा, जिसका इस्तेमाल आर्थिक और रणनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है। चौथा फायदा, भारत के पास वो काबिलियत आ जाएगी कि वो दुनिया के दूसरे देशों को अपने पावर प्लांट बेच सके। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी न्यूक्लियर इंडस्ट्री और इससे संबंधित तकनीक के विकास के बाजार में भारत की अपनी मजबूत जगह बन जाएगी। पांचवा फायदा, ऊर्जा जरूरतें पूरी होगी। एक और चीन जहां भारत को एनएसजी में शामिल होने से रोकना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वो 2020 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करना चाहता है। चीन की तरह ही भारत को भी ऊर्जा की बड़ी जरूरत है। भारत के पास फिलहाल 21 परमाणु संयंत्र है, जिनसे 5,800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 6 नए रिएक्टर सभी बनने जा रहे हैं। अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरत को देखते हुए भारत ने 2032 तक 63,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य बनाया है। अब आप जान गए होंगे भारत के लिए एनएसजी सदस्यता क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।